Everyone. So, this is true. So, I am actually studying in class 5th, and we will start class 5 science chapter number 20 how do plants reproduce. Actually, today is my first day for making videos on YouTube, and which videos? Videos of science. So, that's why we are starting science chapter 20 how do plants reproduce? This is the term to first chapter you have understand that what how what means how do plants reproduce what is the meaning of how do plants reproduce i will tell you this is the chapter name how do plants reproduce then this means new plants जब भी आप कभी कभार गार्डन गए होंगे आप जब भी गार्डन गए होंगे आपने देखा होगा उधर बहुत सारे प्लांट्स हैं हम लोग कभी कभार एक दो प्लांट्स लगा देते हैं फिर बाद में हम लोग देखते हैं उधर बहुत सारे प्लांट्स आ गए वो कैसे आते हैं उधर बहुत सारे प्लांट्स उधर बहुत सारे प्लांट इसलिए आते हैं क्योंकि उन जो प्लांट हम लोगों ने लगाए हैं उनकी लीव स्टेम्स और रूट से और नए प्लांट्स बन जाते हैं उनकी किस चीज़ से, जाते से बन जाते हैं उनकी लीव स्टेम्स और रूट से नए प्लांट बन जाते हैं चलो अभी हम आगे का पढ़ते हैं आगे दिया गया आगे दिया गया एक्सप्लोर एक्सप्लोर मीन्स फाइंड आउट ढूंढना गो फॉर अ नेचर वॉक मीन्स आप कभी आप नेचर वॉक पे जाओ मतलब आप कभी भी गार्डन वगैरह में जाओ जहाँ पे प्लांट्स बहुत सारे हो प्लांट्स ट्रीज ज़्यादा हो उधर कहीं जाओ ऑब्जर्व द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसिस बिटवीन एनी टू फ्लावर्स एंड लिस्टम्स मीन्स आप उनमें से कोई सिमिलैरिटीज मीन्स सेम सेम एंड डिफरेंसेस मीन्स डिफरेंट मीन जो अलग है मीन्स आप उधर जाओगे तो फिर कोई दो फ्लावर के कोई दो फ्लावर में जो चीज़ सेम है और जो चीज़ अलग है उसको आपको लिखना है देन आगे अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर में दिया गया है फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रेक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स मीन जो फ्लावर्स है मीन जो फूल है वो बहुत आकर्षित पार्ट है प्लांट्स का पौधों का दे हैव कलरफुल पेटल्स एंड वंडरफुल फ्रेगरेंसेज मीन्स उनके पास बहुत कलरफुल पंखूडिया है पेटल्स मीन्स पंखूडिया होता है एंड वंडरफुल फ्रेगरेंसेस फ्रेग्रेंसेस मीन्स खुशबू इसलिए हम उन पर आकर्षित होते हैं ना क्योंकि उनके बहुत कलरफुल दिखते हैं बहुत अच्छे दिखते हैं और उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है आफ्टर दैट दिया गया बात में फ्लावर्स ग्रो इन टू फ्रूट्स विच कंटेन सीड मीन जो फ्लावर्स है फ्लावर्स मीन्स फूल जो है वो बाद में फल बन जाते हैं और फल के अंदर बीज होते हैं प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स मीन जो प्लांट्स है मीन जो पौधे हैं हम उनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं पहला है फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा है नॉन फ्लावरिंग प्लांट फ्लावरिंग प्लांट मीन्स पौधों जिनमें फ्लावर्स होते हैं मीन्स जिनमें फूल होते हैं जिनमें फूल होते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स जब पौधों जिनमें फूल जिनमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मीन पौधे और जिनमें फूल नहीं होते फ्लावरिंग प्लांट्स मीन जिनमें होते हैं तो अभी हम उनके एग्जाम्पल देखते हैं मीन्स किन किन में होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स अच्छा रोज मैरी रोज सनफ्लावर्स फ्लावर्स एंड मेरीगोल्ड रोज मतलब सबको पता है कि गुलाब का फूल होता है सनफ्लावर्स मतलब सूरज मुखिया सूर्यमुखी और मेरीगोल्ड मीन्स ऑरेंज और येलो कलर का जो फूल होता है वो मेरीगोल्ड होता है तो फिर अभी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जांपल जानते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जांपल है पाइन और स्प्रूस जो पाइन और स्प्रूस है उन दोनों प्लांट्स में जो फूल है वो नहीं होते हम लोग एक और एग्जांपल दे सकते हैं जैसे फंस फॉन्स भी एक चीज़ है जिसमें फूल नहीं होते तो फिर जो पाइन और स्प्रूस है वो दोनों एक पेड़ है जिनमें फूल नहीं होते जो भी हम लोग अपना चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो टॉपिक दिया है हम उसको भी कंटिन्यू करते हैं द टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स अ टिपिकल फ्लावर इज मेड अप ऑफ फोर डिफरेंट पार्ट्स मीन्स अ टिपिकल फ्लावर मीन्स अ सिंपल फ्लावर मीन्स जो सिंपल फ्लावर है वो चार अलग अलग पार्ट से वो बना है फर्स्ट है सेप्पल सेकेंड है पेटल्स थर्ड है स्टेमिन और फोर्थ है कार्पल ये सेपल्स पेटल्स से है क्या मैं आपको दिखाता हूँ या देख हो ये है पार्स ऑफ आर फ्लावर की डायग्राम ये सेपल ये है सेपल ग्रीन कलर का होता है जब भी हम लोग आप, मतलब जब भी हम लोग फ्लावर को निकालते हैं या फिर करते हैं तो फिर हम लोग उसको पकड़ते होंगे ना नीचे से पकड़ते हैं ग्रीन हमेशा ग्रीन कलर का कुछ होता है उधर जिससे हम लोग पकड़ते हैं वो सेपल होता है और जो उनके मतलब उनके आप खोल को देखो खोल के देखोगे आप फ्लावर को तो फिर उस खोलने के बाद आपको तो उधर एक लाइन दिखेंगी वो होती है स्टेमिन और जो उसकी पंखुड़िया मैंने आपको बताया कि पेटल्स मीन्स उसकी पंखुड़िया होती है और पिस्टल और पिस्टल मीन्स कार्पल को कार्पल भी था उसमें और आप इधर देख रहे हो कि कार्पल नहीं है नहीं यहाँ पे जो पिस्टल है कार्पल का दूसरा नाम पिस्टल है मीन्स पिस्टल कलेक्टिव टर्म है कार्पल का मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि पिस्टल उसका सेकेंड नेम है कार्पल का सो नाउ भी आगे चलते हैं सेपल्स आर यूजली ग्रीन इन कलर मैंने आपको बताया था वो ग्रीन कलर के होते हैं हमेशा मीन जो सेपल्स होते हैं जिससे हम लोग पकड़ते हैं ना वो हमेशा ग्रीन कलर के ही रहते हैं दे आर द आउट मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर मीन जो फ्लावर का एकदम बाहर से ही दिख जाता है ना बाहर का पार्ट होता है इसलिए वो बाहर से ही दिख जाता है और जो अंदर का पार्ट था मैंने बताया था वो स्टैमिन वगैरह होते हैं जो आप खोल के देखोगे तो फिर जब आपको मिलेंगे स्टेमिन पेटल्स आर ब्राइटली कलर टू अट्रैक्ट एनिमल्स फॉर पॉलीनेशन जो पैटल्स है पेटल्स मीनस पंखूरिया जो पंखूरिया है वो बहुत कलरफुल होती है वो अट्रैक्ट करती है ना एनिमल्स को वो क्यों अट्रैक्ट करती है वो अट्रैक्ट इसलिए आकर्षित इसलिए करती है एनिमल्स को पॉलीनेशन के लिए पॉलीनेशन के लिए मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा पॉलीनेशन अभी सिर्फ मैं इतना बताऊँगा कि जो पॉलीनेशन है वो है प्रोसेस है जो पॉलिनेशन है वो आगे पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि पॉलिनेशन क्या होती है सो नेक्स्ट इट इज गिवन स्टेमिन इज़ द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर मीन जो स्टेमिन है मेल पार्ट है फ्लावर का इट हैज एन फिलामेंट विद एन एंथर ऑन टॉप स्टेमिन के जो मैं अभी बताता हूँ तो क्या होता है फिलामेंट और एंथर ये आप देख रहे हैं आप स्टेमिन ये जो सर्कल सा आप देख रहे हैं ना ये सर्कल सा ये एंथर होता है और जो ये लाइन देख रहे हैं ना ये आप लाइन जो दो दो लाइन दी गई है यहाँ पे ये टू टू लाइन दी गई है ना ऐसे ये ये होता है फिलामेंट और ये सर्कल सी चीज क्या होती है सर्कल सी चीज़ होती है एंथर और जो ये एंथर है ना एंथर के अंदर एंथर के अंदर पॉलेंड ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है यहाँ पे आगे आएगा पोलेंड ग्रेन्स पोलेंड आर प्रोड्यूस इन द एंथर मैंने बताया था ना कि एंथर के अभी एंथर के अंदर पॉलेंस प्रोड्यूस होता है वो पूरा नाम पोलेंड ग्रेन्स है पॉलेंस भी कह सकते हैं या फिर हम उन्हें पॉलेंस ग्रेन्स भी कह सकते हैं नेक्स्ट इट इज़ गिवन कार्पल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जैसे मेल है फ्लावर का तो वैसे फीमेल तो होगा ही सो फिर जो कार्पल है वो फीमेल पार्ट है फ्लावर का इट इंक्लूड्स एन ओवरी कंटेनिंग स्टाइल अ स्टाइल एंड स्टिग्मा मेन जो मेन जो कार्पल है वो उसके अंदर क्या क्या चीजें उसके अंदर ओवरी है ओव्यू ओवरी है ओव्यूल्स है और स्टाइल है और स्टिग्मा है ये चार पार्ट्स उसके अंदर है कार्पल के अंदर ही फोर पार्ट्स है मैंने आपको बताया था यहाँ पे पिस्टल यहाँ पे आएगा यहाँ पे आ गया पिस्टल इज द कलेक्टिव टर्म फॉर कार्पल्स मीन्स हम लोग कार्पल्स को पिस्टल भी कह सकते हैं आफ्टर fertilization, द ओवरी ग्रोज into a अ फ्रूट एंड द ओव्यूल ग्रोज a seed. अ सीड मीन जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है फर्टिलाइजेशन भी एक प्रोसेस होती है जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है जो ओवरी होता है ना ओवरी वो फ्रूट बन जाता है और जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है अभी हम आगे देखते हैं कि हाँ अभी आप आ गए पॉलिनेशन प्रोसेस Pollen from the anther of a plant is carried by the wind or by insects to the stigma of a flower for fertilization. यहाँ पे जो स्टेमिन के अंदर जो पॉलन पोलेंड्रेन्स होते हैं ना वो उनको विंड और इंसेक्ट मतलब आपने देखा होगा कि फ्लावर के ऊपर कभी फ्लावर के ऊपर कभी वो पोलेंस फ्लावर के ऊपर इंसेक्ट वग़ैरह बैठते हैं वो इन पॉलन ग्रेन्स फूलों का रस चूसने के लिए वो बैठते हैं पोलेंड्रीन्स वो कभी भी हवा की तरह हवा हवा जब आ जाती है पोलेंड्रेन्स उठ जाता है और स्टिग्मा में चला जाता है मैं बताता हूँ यहाँ पे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो देख ये जो है ये स्टिग्मा है एंथर में ग्रेन्स होता है तो फिर हवा कभी कभार उनको इंसेक्ट चूस लेते हैं या फिर वो हवा से उड़के के वो स्टिग्मा में आ जाते हैं स्टिग्मा में आ जाते हैं फिर उसके बाद वो स्टिग्मा में क्यों आते हैं वो स्टिग्मा में इसलिए आते हैं क्या है? जो प्लांट है उसका पॉलिनेशन हो जाए वो इसलिए होता है ऑफ आ फ्लावर फॉर फर्टिलाइजेशन फ्लावर का फर्टिलाइजेशन हो इसलिए पूरी प्रोसेस पॉलिनेशन की जाती है दिस प्रोसेस दस नोन एज पॉलीनेशन इस प्रोसेस को पॉलीनेशन कहा जाता है अभी हम जानेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है द पॉलिन ग्रेन पास थ्रू द स्टाइल एंड एन्यूनाइट विद एक्ससेल्स इन दूल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होती है अब मैं बताता हूँ क्या इसमें बोला है उस वहाँ था, पहले वो स्टिग्मा में तो चले गए थे फिर स्टिग्मा से यहाँ पे आप लाइन देख रहे हैं कि ये स्टाइल है तो फिर वो इधर से चले जाते और फिर वो ओव्यूल में आ जाते ये पूरा ओव्यूल है जब वो ओव्यूल में आ जाते हैं फिर बाद में वो धीरे धीरे एग बन जाते इधर एग बन जा एग बन जाते इधर फिर बाद में वो ओव्यूल के अंदर वो एग बन जाते हैं तो फिर याद की था वो ओव्यूल के अंदर जब एग बन जाते इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं कौन सी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं जो भी पॉलेंट ग्रेन के बाद वो स्टाइल में गए थे स्टाइल में पहुंचने के बाद वो ओव्यूल में जाके वो एग बन गए थे उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं वंस फिर तो अभी आगे है वंस फर्टिलाइज द ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट एंड द ओव्यूल इनटू सीड्स यहाँ पे अभी हम लोगों ने फिर से पढ़ा था कि जो फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है जब जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाता है और जो ओब्यूल है वो सीड बन जाता है यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बताया नहीं था कि पेटल्स के अच्छे पेटल्स के पूरे अच्छे से बताया नहीं था मैं तो आपको फिर से समझाता हूँ जो पेटल्स हैं वो इसलिए इतने अच्छे कलर होते हैं इतने अच्छे उनकी पंखुड़ियाँ होती हैं क्योंकि क्या एनिमल उन पर बैठे उन एनिमल उन पर बैठे और उनकी प्रोसेस पॉलिनेशन हो जाए इसलिए जो पैटल्स हैं पंखुड़ियाँ इतने अच्छे होते हैं नाउ अभी इधर ये डायग्राम पे जाता है डायग्राम में इधर डायग्राम में इधर लिखा है सेप्पल्स मैं आपको बताता हूँ इधर सेपल दिखाए सेपल्स दे प्रोटेक्ट द फ्लावर वेन द फ्लावर इज डेवलपिंग फ्रॉम द बर्ड जो सेपल जो ग्रीन कलर का जो हमेशा ग्रीन होती है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब जो फ्लावर है वो एक कली से गुजरता है जब सेपल प्रोटेक्ट करती है फ्लावर को अब पेटल्स पेटल्स आर यू टू तो अटैक इंसेक्ट्स इन इन टू द फ्लावर दे मे बी स्केंटेड स्केंटेड मतलब क्या मतलब होता है स्केंटेड मतलब खुशबू होता है स्केंटेड मीन्स वो पैटर्न्स मैंने बताया था पैटर्न इतने पैटर्न्स अट्रैक्ट करती है मतलब वो आकर्षित करती है फ्लावर्स को अट्रैक्ट अट्रैक्ट करती है आकर्षित करती है इंसेक्ट्स को फ्लावर के अंदर क्या है जो पॉलिनेशन प्रोसेस हो जाए इसलिए वो इसलिए इतने खुशबू होती है इसलिए फ्लावर में इतनी खुशबू होती है अभी नेक्स्ट पेज में जाते हैं नेक्स्ट पेज में लिखा है सीड्स इन द फ्रूट्स कैन क्रिएट न्यू प्लांट मीन जो बीज होता है फ्रूट में फ्रूट में आपने हमेशा दिखाऊंगा फ्रूट के अंदर बीज होते हैं उनसे नए प्लांट जो है वो उग सकते हैं ग्रोथ हो सकती है उन सब की। व्हेन पोलन फ्रॉम अ प्लांट स्टेमिन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स आपने देखा होगा कि प्लांट का स्टेमिन स्टेमिन में भी होता है स्टेमिन में भी होता है और एंथर में भी पॉलेंस होता है मींस अभी स्टेमिन में होता है, स्टेमिन में भी होता है पोलिन ग्रेन स्टोफरेज होता है पोलिन ग्रेन पोल ग्रेन्स जब सेम स्टिग्मा इसी जिस प्लांट के अंदर पोलिन ग्रेन्स है उसी प्लांट के स्टिग्मा में वो चले जाएंगे उसी सेम प्लांट के स्टिग्मा में चले जाएंगे तो उसे उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे क्या किसको क्या कहेंगे उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे जब जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो सेम प्लांट के स्टिग्मा में चले जाएंगे अभी नेक्स्ट वन वहन पोलन फ्रॉम अ प्लांट स्टेमिन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन मीन जब जो पॉलन मीन जब जो पॉलन है वो दूसरे ये तो हमारे सेम प्लांट के था वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में चले जाएंगे तो फिर उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन में जाएंगे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे सेम में जाएंगे तो क्या कहेंगे हम उन्हें सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे और डिफरेंट में जाएंगे मतलब दूसरे में जाएंगे तो हम उन्हें क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे अगेदर दर्द बाय क्रॉस पॉलिनेशन वी कैन प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स मीन्स हम क्रॉस पॉलिनेशन से हम लोग बहुत सारी प्लांट्स की वेराइटीज बना सकते हैं पॉलिनेशन ऑकर्स इन सेवरल वेज हम लोगों ने देखा था पॉलिनेशन एक वे से उधर दिखाया था लेकिन जो पॉलिनेशन है वो बहुत सारी अलग अलग वे से हो सकती है प्लांट्स रिले ऑन बर्ड्स इंसेक्ट्स और द विंड टू पॉलिनेटर जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स जो है वो निर्भर रहता है किन पर निर्भर रहता है बर्ड्स पे रहता है इंसेक्ट्स पे रहता है और एनिमल्स और विंड पर निर्भर रहता है क्या है वो उनको पॉलिनेट करे विंड से एनिमल्स बर्ड्स ये सब जाएंगे तो उनको उनके पॉलिंग्स को खा लेंगे और स्टिग्मा में छोड़ देंगे ना स्टिग्मा में चले छोड़ देंगे तो फिर उनसे उनका पॉलिनेशन हो जाएगा और विंड और विंड हवा चलेंगी तो फिर वो जब भी स्टिकमा में चले जाएंगे इसलिए प्लांट्स इन पर निर्भर रहता है कि इनका पॉलिनेशन हो जाए ना आफ्टर दैट इट इज़ गिवन बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एज बीज बटरफ्लाइज एंड फ्लाइज आर अट्रैक्टेड टू द स्वीट नेक्टर एट द बेस ऑफ पेटल्स मीन जो बर्ड्स और जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बीज मधुमक्खी बटरफ्लाइज तितली और फ्लाइज मक्खी फ्लावर पे बैठती है। क्यों बैठते है? उनका रस चूसने के लिए उनके पेटल पे बैठती है पेटल पे बैठने तो उनका वो रस चूसती है। when, when they come to feed on है प्लांट मूव टू अदर प्लांट मूव टू अदर फ्लावर टू फीड जब वो एक प्लांट पे फूलों का रस पीने के लिए जब वो आती है द स्टिकी पोलेंड गेट्स स्टक टू दैम वैन दे रब अगेंस्ट द स्टेमिन जब वो जब वो फी एक प्लांट पे फीड करने आती है जब वो बैठती है ना जो पोलेंड जो पोलन बता था ना जो पोलेंड ग्रेन्स इधर मैंने आपको बताया था यहाँ पे पॉलेंड ग्रेन्स होता है इधर प्रोड्यू एंथर में और स्टेमिन में वो प्रोड्यूस होता है वो पोलेंड ग्रेन्स ना इनसे चिपक जाता है इनसे चिपक जाता है वैन दे रब आ गए इंस्टा सेम जब वो रब करती है इनसे वो चिपक जाता है एस दे मूव ट द फ्लावर टू फीड सम ऑफ द पोलन फॉल्स ऑफ दर बॉडी ऑन टू द स्टिगमा ऑफ द न्यू प्लांट मेन जब वो बाद में उठते हैं उनसे चिपक जाता है बाद में जब वो उठते हैं दूसरे प्लांट पर जैसे वो जाते हैं उनसे वो जो पॉलन था ना वो गिर, नीचे गिर जाता है और वो नए प्लांट के स्टिग्मा में चले जाता है तो मैंने बताया था इस प्रोस इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे क्योंकि वो नए में जा रहा है इस ओके okay, सो so हम लोग अभी डायग्राम वाले पार्ट पे चलते हैं तो फिर यहाँ पे देख लो ये पिक्चर नंबर फर्स्ट है फर्स्ट पिक्चर है, तो हम लोग ये पढ़ते हैं इधर क्या लिखा है वन कलेक्टिंग नेक्टर एंड इंसेक्ट ब्रशेज अगेन स्टेमिन एंड पोलन स्टिक टू इट्स लेग मीन्स जब ये जो आप मधुमक्खी देख रहे हो जब ये नेक्टर कलेक्ट करने आती है नेक्टर मतलब फूलों का रस कलेक्ट करने जब आती है जो स्टेमिनस होते हैं ना जो स्टेमिनस वो झड़ जाते हैं ब्रशेस मतलब झड़ो झड़ जाना होता है एंड पोलन और जो पोलन है पोलन ग्रेन जो है वो इसके लेग्स पे लेग्स और इसकी पूरी बॉडी पे चिपक जाते हैं स्टिक्स मीन्स चिपक जाना इसके जो फोर लेग दिख रहे हैं इसके लेग्स और इसकी पूरी बॉडी ये पूरी बॉडी पे इसके चिपक जाएंगे पॉलेंड ब्रीन्स तो हम लोगों ने फर्स्ट फर्स्ट पिक्चर भी कंप्लीट कर दिया हम लोग अभी सेकंड पिक्चर पे आते हैं ये है सेकंड पिक्चर पढ़ते अभी हम इसे क्या लिखा है वेन द इंसेक्ट विजिट्स द फ्लावर पॉलन ब्रशेज फ्रॉम इट्स बॉडी अगेंस्ट द स्टेमिन मीन्स जो इंसेक्ट ये जो मधुमक्खी है ये एक 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 फ्लावर पे तो जाके अभी एक फ्लावर पे तो जाके आ गई अभी दूसरे फ्लावर में जा रही है दूसरे फ्लावर में जा रही है और जैसे उतर गई जैसे उतर गई जो पोलन ग्रेन्स था वो इसकी बॉडी पे झट गया वो इसकी बॉडी से झट गया और जो ये स्टेमिन दिख रहा है स्टेमिन स्टे, इसकी बॉडी से झड़ के स्टेमिन में गिर गया स्टेमिन में गिर गया ये जो दिख रहे स्टेमिन होता है पे दूसरे फ्लावर पे और जो इस जो इसका जो इस इसका था वो झड़ गया और पोलन तो थर्ड पिक्चर, पिक्चर में लिखा है दोलन पासिसउन द स्टिग्मा टू दूम इट फर्टिलाइजर्स द सीड्स मीन्स जो पॉलन ग्रेन था वो स्टिग मैं थोड़ा तो सा छोटा कर लेता तो आपको साथ में समझा भी दू मीन्स इसका मतलब है कि जो ग्रेन्स तो था वो इधर आ गई थी मधुमक्खी तो ग्रेन्स इधर से जाके इधर पहुंच गया फिर बाद में ये ओव्यू में पहुंच गया स्टिग्मा से जाके सीधा ये ओव्यू में पहुंच गया वेयर इट फर्टिलाइजर्स था सीड यहाँ पे देख रहे हो सीड जो उसकी उसकी वजह से जो ये सीड्स है वो फर्टिलाइज हो गई ये जो सीट है बाद में फर्टिलाइज हो गई फर्टिलाइज हो गई मैंने आपको पहले एक पहले स्टार्टिंग पेज में एक प्रोसेस भी बताया था फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो इधर से स्टाइल से जाके इधर सीधा पहुंच के एक्स बन जाता था और एक्स बन जाता था ओव्यूल के अंदर उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं तो फिर हम लोगों ने थर्ड पिक्चर भी कंप्लीट कर दी तो फोर्थ पिक्चर जो लास्ट पिक्चर है हम अभी उससे कंप्लीट करते हैं सो फोर पिक्चर में लिखा है लैंड ऑन मोइंस लाइट ग्राउंड अलान फिल ग्रो मीन जो सीट है जो बीच है वो राइट थे ये जो देख रहे हो ये बीच ये बीच देख रहे हो ये जो बीच है ये राइट है मतलब ये पके हुए है इफ दे लैंड ऑन मोइस वो ये जो बीच है वो कोई वो कोई नमी वाले लाइट वो कोई नमी वाले हल्के से ग्राउंड में जाएंगे तो फिर उनकी उनकी जगह एक जो तो नया प्लांट है वो उग जाएगा तो फिर हम लोगों ने इसके साथ साथ फोर्थ वाला पिक्चर भी कंप्लीट कर दिया आपको ये पिक्चर देखना है तो देख लो फर्स्ट वाला ये था जहाँ पे मधुमक्खी बैठ रही थी और ये ये सब थर्ड फोर्थ ये पिक्चर हो गए अभी हम लोग जाते हैं जहाँ पे हम लोग फिनिश जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले थे मैं इसको जूम कर मैं इसको जूम कर लेता हूँ तो अभी ये लिखा तो अभी ये इधर लिखा है एनिमल्स आर आल्सो ऑफ एन टू द स्ट्रॉग स्केंट एंड ब्राइट कलर्स ऑफ प्लांट्स मीन जो एनिमल्स हैं वो भी आकर्षित हो जाते हैं इन प्लांट्स पे क्यों हो जाते हैं स्कैंड मतलब खुशबू होता है कन मतलब खुशबू उनकी खुशबू उनकी इतनी जोरदार खुशबू होती है इतनी अच्छी खुशबू होते हैं और उनके कलर्स वो एकदम कलरफुल होते हैं ना प्लांट तो फिर हम भी हम हाँ, एनिमल भी उनकी तरह ऐसे ही आकर्षित होते हैं एक तो खुशबू की वजह से और एक उनका कलर देख के प्लांट्स का सब इन एक्सपर्टर दिस एनिमल पॉलीनेटर्स आल्सो हेल्प प्लांट एज दे ग्रो फ्रॉम प्लांट टू प्लांट इन सर्च ऑफ फूड मीन जो एनिमल पॉलिनेटर्स एनिमल पॉलिनेटर्स क्या होते हैं एनिमल पॉलिनेटर जैसे बीस बटरफ्लाइज और जो फ्लाइज हम लोगों ने देखे थे ना वो होते हैं एनिमल पॉलिनेटर्स वो एनिमल पॉलिनेटर्स होते हैं वो जो एनिमल पॉलिनेटर्स है वो तो एक पॉलिनेट पॉलिनेशन की एक प्रोसेस करके हेल्प करते हैं और एक और एक और की वजह से वो प्लांट्स को हेल्प कर हेल्प करते हैं प्लांट्स को कैसे हेल्प करते हैं प्लांट को तो खाना चाहिए वो खाने की सर्च करके वो प्लांट को देते हैं बीस फ्लाइस ये सब खाने की सर्च करके बाद में प्लांट को देते हैं एक और तरह से इस वजह से उनकी हेल्प करते हैं तो हम लोग अभी नेक्स्ट पे जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है Sometimes the wind picks up the pollen from one plant and transfer it to another, resulting in wind pollination. Means कभी कभार जो है वो जो wind है वो pollen को wind की वजह से pollinate होता है वैसा ही मान लो जो wind है वो pollen grain को उठा के ले जाती है एक plant से ले हवा के और हवा के जो के से pollen grain को उठा के ले जाती है एक plant से दूसरे plant पे और ये कब होता है जब विंड पॉलीनेशन में होता है जब विंड पॉली जब विंड पॉलीनेशन आता है विंड पॉलीनेशन में होता है ये देखो विंड पॉलीनेशन आएंगी नहीं तो ये विंड विंड होंगी नहीं विंड आएंगी नहीं और विंड आएंगी नहीं तो पोलैंड जाएगा नहीं, तो नहीं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में तो ये विंड पॉलीनेशन के अंदर होता है विंड पॉलीनेशन जब होता है ना जब ये विंड आती है और पोलैंड को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में लेके जाती है तो हम लोग अभी नेक्स्ट में जाते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा है प्लान्ट पोलिनेटेड बाई विंड ऑफन हैव लॉन्ग स्टेमिन एंड पिस्टल्स मीन जो प्लांट्स है वो विंड वो प्लांट्स है वो विंड से पॉलीनेट हो गए हैं तो फिर उनके पास क्या होंगे उनके पास बहुत बड़े बहुत बड़े स्टेमिनस होंगे और बहुत बड़े उनके पास पिस्टल होंगे मैं आपको अभी फिर से बताता हूँ कि स्टेमिन और पिस्टल क्या होता है ये जो देख रहे हो ये ये स्टेमिन है ये पूरा ये स्टेमिना है ये पूरा स्टेमिना है इनके पास बहुत बड़े होंगे इवेंट से पोलिनेट होंगे ना जो प्लांट्स तो फिर उनके पास बहुत बड़े स्टेमिन होंगे बहुत बड़े और पिस्टल ये है पिस्टल जो है वो पिस्टल ये होता है ये जो है ये पिस्टल है पूरा ये देख ये देख रहे हो ये सब ये जो पिस्टल है ये बहुत बड़े उनके पास पिस्टल भी बहुत बड़े होंगे और उनके पास स्टैमिन भी बहुत बड़े होंगे ये दो चीज़ें उनके पास बहुत बड़ी होंगी सो इधर से हम लोग आगे में क्या लिखा है दे मे नोट बी ब्राइटली कलर्ड मींस वो तो विंड से पॉलिनेट होंगे तो वो अच्छा उनका जो कलर होगा वो अच्छा नहीं होगा और अच्छा और उनका जो कलर होगा वो अच्छा एकदम अच्छे दिखेंगे नहीं जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे बहुत कलरफुल प्ला कलरफुल प्लांट्स होते हैं वो कलरफुल नहीं होंगे लेकिन उनके पास बड़े फैमिस और पिस्टल होंगे आगे में क्या लिखा है दे हैव स्मॉल पेटल्स और नॉन एटॉल और उनके पास जो विंड से पोलिनेट होंगे उनके पास स्मॉल पेटल्स होंगे पेटल्स मतलब क्या होता है पेटल्स मतलब पंखोडिया उनके पास छोटे पंखोडिया पंखुडिया होंगे या फिर उनके पास पंखुड़ियां होंगे ही नहीं जो विंड से पोलिनेट होते हैं तो हम लोग अभी थर्ड पेज पे जाते हैं थर्ड पेज पे क्या लिखा है सीड्स सीड्स प्ले सीड्स प्ले ये सेकंड टॉपिक पे आया है न्यू प्लांट फ्रॉम सीड्स ये सेकंड टॉपिक है तो अभी इसको पढ़ते क्या है सीड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मीन जो सीड जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब जो प्लांट्स है जो फ्लावरिंग प्लांट प्लांट जिसपे फ्लावर्स होते हैं उनका रिप्रोडक्शन उनका बर्थ रिप्रोडक्शन मतलब मैं फिर से लिख देता हूँ उनका बर्थ उनके बर्थ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं कौन निभाते हैं सीड्स निभाते है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सीड्स क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं तो फिर आपको लिखना पड़ेगा सीड्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या फिर ऐसा भी आ सकता है हु प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स तो आपको सीड्स लिखना पड़ेगा फिर आगे में क्या लिखा है अ सीड हैज़ अ टाइनी प्लांट और एन एम्ब्रियो विच इज इंक्लोज विद एन आउटर कवरिंग नोन एज अ सीड कोट मीन्स सीड के पास एक छोटा सा प्ला सीड के प्लास एक सीड के पास जो है एक छोटा सा प्लांट होता है या फिर एम्बरीओ होता है जो इंक्लोज होता है विद एन आउटर कवरिंग उसके बाहर से जो कवरिंग होती है ना बाहर से जो कवरिंग होती है उसके चारों तरफ उसके चारों तरफ बाहर से जो कवरिंग होते हैं उसे हम सीड कोट कहते हैं उसे हम सीड कोट कहते हैं आप आगे में पिक्चर आएंगी मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये देख रहे ये सीड कोट है यहाँ पे जो है यहाँ पे सीड कोट है ये लीफ के पास इधर एक सीड कोट है और मैं अभी एम्ब्रियो दिखाता हूँ एम्ब्रियो ये है ये देख पा रहे हो ये इधर एम्ब्रियो है ये एम्ब्रियो जो है वो चारों तरफ से घेरा होता है उसके आउटर कवरिंग से और आउटर कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं सीड कोट कहते हैं द सीट कोट प्रोटेक्ट्स द एमब्रियो विद इन एट एंड ऑल्सो प्रिवेंट द सीट फ्रॉम टाइंक मीन जो सीट कोट है वो एम्ब्रियो को बचा एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है उसकी रक्षा करता है खुद सीट कोट के अंदर ही वो उसकी रक्षा करता है और उसको इस और उसको और सीट को इस तरफ से भी और सीट को मरने से भी बचा सकता है डाइंग से आखिर कभी कभार सीट खराब हो जाती है ना तो फिर सीट कोट उसको वैसे भी बताता है तो फिर नेक्स्ट लाइन पता है नेक्स्ट लाइन में लिखा है द एंडोस्पर्म इज द फूड स्टोर्ड विद इन द सीड विच इज यूज्ड बाय द एम्ब्रियो फॉर इट्स डेवलपमेंट यहाँ पे हम लोगों ने देखा था यहाँ पे एंडोस्पर्म थी जो एंडोस्पर्म है वो फूड नहीं है एंडोस्पर्म इज द फूड वो फीड नहीं वो फूड नहीं है वो खाना नहीं है एंडोस्पर्म वो है जो फूड को स्टोर करता है सीड के अंदर बीज के अंदर वो फूड को स्टोर कर करके रखता है वो खाना खाने को स्टोर कर करके रखता है विच इज़ यूज बाय एम्ब्रियो और जो खाने को वो स्टोर करता है वो एम्ब्रियो वो एम्ब्रियो वो एम्ब्रियो यूज करती है अपनी डेवलपमेंट के लिए अपनी ग्रोथ के लिए हम लोग डेवलपमेंट को ग्रोथ के लिए ग्रोथ भी कह सकते हैं जी आर ओ डब्ल्यू टी एच यहाँ पे एच आएंगे आप पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा एच हाँ आएँगा पे बाद में ये होता है ग्रोथ ई स्पेलिंग नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या लिखा है नेक्स्ट में लिखा है दिस टेम्पररी सप्लाई ऑफ फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल लीव्स लीव्स नोन एज सीड और तो अभी मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ इसका मतलब है जो टेम्प्रेरी सप्लाई ऑफ फूड अब ध्यान से देखो कि टेम्प्रेरी बोला है टेम्प्रेरी मतलब परमानेंट नहीं है परमानेंट नहीं है परमानेंट मतलब जो हमेशा होता है टेम्प्रेरी मतलब जो कभी कभार जो कभी कभार सप्लाई होता है फूड का स्पेशल लीव्स स्पेशल लीव्स के फॉर्म में जब होता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम सी लीव्स या फिर हम उसे कॉटिलिडेंस कहते हैं या आप चाहो तो उसे कॉटिलिडेंस भी कह सकते हैं आप चाहो तो उसे सी लीव्स भी कह सकते हैं उधर में से कुछ भी कह सकते हैं हम लोग इधर कॉटिलिडेंस को मान के चलेंगे दीज आर जनरली द फर्स्ट पार्ट विजिबल वेन द सी जर्मिनेट्स मीन्स ये जब जब जो सीड की जो ग्रोथ होती है ना जब सीड की ग्रोथ होती है जो पहला पार्ट जो पहला पार्ट हमें दिखता है वो कॉटिलीडन्स या फिर सीड लीव सी होती है जो पहला पार्ट दिखता है नेक्स्ट पे नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ है प्लांट्स आर क्लासीफाइड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलीडन्स और सीड लीव्स दे हैव दे हैव मीन्स जो प्लांट्स है प्लांट्स को ऐसे क्लासीव प्लांट्स को ऐसे पहचाना जाता है उनके नंबर ऑफ कॉटिलीडेंट्स और सीड लीव्स मतलब जितने उनके पास कॉटिलीडेंट्स हैं और जितनी सीड लीव्स हैं ऐसे उन्हें पहचाना जाता है जैसे इस प्लांट के पास एक कॉटिलीडन है इस प्लांट के पास इतने कॉटिलीडन है ऐसे इन प्लांट को पहचाना जाता है आगे क्या आप प्लांट विद वन कॉटिलीडन स्टोन मोनोकॉटिलीडन मोनोकॉट मीन्स एक प्लांट के प्लांट के पास एक अ प्लांट विद दोन एक प्लांट प्लांट के साथ एक कॉटिलिडन है तो वो मोनोकोटिली उसको नाम किया जाएगा मोनोकॉटिलिडन या फिर उसका शॉर्ट फॉर्म है मोनोकॉट ग्रास एंड कॉर्न आर मोनोकॉट जो ग्रास और जो कॉर्न है वो एग्जांपल है किसके एग्जांपल है मोनोकॉट्स के एग्जांपल है मतलब मोनोकॉटिलिडन के अ प्लांट विद टू कॉटिलिडन इज नोन एज डाइकोटिलिडन सब एक प्लांट के साथ दो एक प्लांट के साथ दो एक प्लांट में दो कॉटिलीडन है तो उसे हम डाइकॉटिलीडन कहेंगे डायकोटिलिडन भी कह सकते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म है डाइकॉट बीन्स आर डायकॉट मीन्स जो बीन्स है डाइकॉ को, डाइकॉटिलीडन का एग्जाम्पल है बीन्स हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं लास्ट पैराग्राफ पे चलते हैं लास्ट पैराग्राफ में लिखा है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो प्लांट इनसाइड द सीड इज नोन एज जर्मिनेशन मीन जो प्रोसेस मीन जो प्रोसेस होती है जब जो एम्ब्रियो प्लांट मैंने आपको दिखाते यहाँ पे आपको दिख रहा है एम्ब्रियो प्लांट ये जो एम्ब्रियो प्लांट की जब ग्रोथ होती है ना इन सीड के अंदर बीज के अंदर जब इसकी ग्रोथ होती है उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं सीड्स रिक्वायर द राइट अमाउंट ऑफ वाटर ऑक्सीजन सनलाइट एंड टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन मीन जो सीड्स हैं सीड्स को सारे सारी जो सारी चीज़ है वो सारी राइट क्वांटिटी, एकदम सही क्वांटिटी में उनको चाहिए सही क्वांटिटी में वाटर चाहिए सही क्वांटिटी में ऑक्सीजन चाहिए सही क्वांटिटी में सनलाइट चाहिए जो सन से हमें मिलती है सन की लाइट जो होती है वो उसे सनलाइट कहते हैं और टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेशन के लिए एकदम करेक्ट टेम्परेचर करेक्ट क्वान्टिटी का टेम्परेचर चाहिए हमें सीट की जर्मिनेशन के लिए नेक्स्ट है एज द एम्ब्रियो स्टार्ट टू डेवलप द सीड कॉन्पेक्स एंड अ रूट और रेडिकल इमर्जेस मीन्स जब एम्ब्रियो स्टार्ट होता है जब एम्ब्रियो की जो ग्रोथ है ना एम्ब्रियो की जो ग्रोथ स्टार्ट होती है जो सीड ग्रोथ होता है ना सीड को जो इसके चारों तरफ से होता है सीट कोट चारों तरफ से होता है जो उसकी सेफ रखता था उसको बचा के रखता था तो फिर वो जो सीट कोट है वो टूट जाता है तो फिर वो खुल जाता है ना ओपन हो जाता है जब भी कोई चीज़ टूटती है तो वो ओपन हो जाती है खुल जाती है तो फिर वैसे भी सीट कोट टूट के खुल जाता है एंड अ रूट और रेडिकल इमरजेंस और उसकी ज़... और उधर एक रूट या फिर रेडिकल जो है वो निकल आता है रूट या रेडिकल मैं आपको दिखाता हूँ रेडिकल क्या है ये आप देख सकते हो ये वाइट कलर ये वाइट कलर की जो लाइन दिख रही है ये होता है रेडिकल नेक्स्ट ना दिया है द नेक्स्ट में दिया है द रेडिकल इज फॉलोड बाय द शूट और प्रम्यूल विच द लीव्स एंड स्टेम जो रेडिकल है ना रेडिकल जब रेडिकल तो पहले छोट रेडिकल जब निकल जाता है ना रेडिकल या रूट कुछ भी कह सकते हैं ये देखो यहाँ पे रेडिकल था ये रेडिक वाइट कल एंड रेडिकल है फिर बाद में शूट या फिर पमोल हम कह सकते हैं यहाँ पे प्लमूल है फिर बाद में जब वो बड़ा होने लगता है तो फिर उधर प्रम्यूल आ जाता है प्लमूल प्लेम्यूल या फिर हम उधर शूट भी कह सकते हैं विच गिव फ्राइज टू लीव्स एंड स्टेम एंड उसकी जगह पे लीव्स आ जाती है और लीव्स आ जाती है और स्टेम्स आ जाते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे लीव्स आ गई लीज आ जाती है और स्टेम्स राइज लीव्स और स्टेम्स आ जाती है उधर तो इसके साथ हमारे ये हम लोगों ने टोटल थ्री पेज कंप्लीट कर दिए है थ्री मैं आपको अभी ये पूरा ये डायग्राम समझाता हूँ क्या है पहले आप पे ये सर्कल ये सर्कल ये सीड कोट है सीड कोट फिर उसके आ, इस पहले सीड कोट है इधर सीड कोट फिर उसके आगे थोड़ी इसी ऐसे लाइन बना दी तो फिर ये सीड हो गया फिर बाद में रेडिकल उन्होंने खींच दिया रेडिकल तो फिर ये फर्स्ट हो गया अभी नेक्स्ट में सीड कोट है ये पूरा ही एक सीड कोट है और जो लाइन देख रहे हो ना वाइट कलर की ये भी रेडिकल है वाइट कलर की जो लाइन है वो रेडिकल है यहाँ पे एक छोटी सी लीफ आ गई और यहाँ पे सर्कल बना के ऊपर कुछ कर दिया ये दोनों है ये कॉटी है क्या है ये ये कॉटी है मैंने बताया था प्लांट को क्लासीफाइड कॉटी से है करते हैं क्लासिफाइड कोटीलिडन से ही करते हैं ना क्लोटी या फिर सी लीव्स हम लोग कह सकते हैं तो ये थर्ड भी कर दिया तो बाद में ये जो दोनों है ये रूट्स है ये दोनों क्या है ये दोनों रूट्स हैं फिर बाद में जब रेडिकल बड़ा होने लगा तो फिर ये प्लमूल में आ गया प्लेम्यूल शूट या शूट भी कह सकते हम लोग या फिर प्लमूल की पाग कह सकते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लीवस आ गए फिर बाद में राइस क्या हुआ लीव्स और स्टेम्स आ गई यह हम लोग देख सकते हैं कि लीव्स आ गई और जो यहाँ से लेकर जहाँ से स्टार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक सूट सिस्टम होता है और जो नीचे का जो होता है पूरा वो रूट सिस्टम होता है ये इस पूरी डायग्राम का नाम क्या था इस पूरी डायग्राम का नाम था जर्मिनेशन ऑफ सीड सो so गाइस हम लोगों ने ये पूरा पार पार्ट वन इस चैप्टर नंबर ट्वेंटी हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस का कर लिया है इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे सो बाय Bye guys, thank you very much.